subscribe Wise WordPress Guru. हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इन्फोलिंक इज द बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स फॉर ब्लॉग्स एंड साइट्स। क्यों इन्फोलिंक जो है बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बन सकता है किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए, या क्यों ये बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए, तो दोस्तों इस विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम उन वजहों और उन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि क्यों एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए इन्फोलिंक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वजहों पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फोलिंक जो है एक तरह का एडसेंस प्रोग्राम है, गूगल एडसेंस की ही तरह, लेकिन ये थोड़ा डिफर है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी वीडियोज बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्फोलिंक जो एडसेंस प्रोग्राम है एक बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव भी है। ठीक है, तो क्यों ये एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स किसी भी ब्लॉग के लिए हो सकता है, तो इन वजहों पे बात करेंगे। तो इसके बाद मैं उन फैक्ट्स पे बात करता हूँ कि क्यों ये एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स आपके लिए या आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए आज की डेट में हो सकता है। तो फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, इन्फोलिंक जो है सबसे पहले इजी टू अप्रूव है। ठीक है, कोई भी एडसेंस प्रोग्राम या किसी भी तरह का एडसेंस प्रोग्राम अगर आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे लगाते हैं तो सबसे पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि काफी मतलब मुश्किल होता है, और उसके लिए काफी सारी एलिजिबिलिटी या कंडीशंस किसी भी वेबसाइट की या जो भी मतलब नेटवर्क है जो आपको एडसेंस प्रोवाइड कर रहा है और जो उसके लिए आपको पे भी करेगा, उसकी बहुत सारी कंडीशंस और एलिजिबिलिटी भी होती है जो कि आप कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते या महीनों कंप्लीट नहीं कर पाते, इजिली आपको अप्रूव नहीं हो पाता। तो इन्फोलिंक में एक ऐसी चीज कि आपको इजीली जो है ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो ये इजी टू अप्रूव है, इसलिए ये आपके लिए एक बेहतर एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बन सकता है। क्योंकि आप मतलब अगर आपने नई वेबसाइट बनाई है तो भी आप इसको आज ही जो है अप्रूव करवा सकते हैं और जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मे बी 2-4 दिन के अंदर आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, इन्फोलिंक सपोर्ट स्मॉल एंड वेरी न्यू साइट्स और ब्लॉग्स, जो मतलब नए ब्लॉग्स हैं या अभी सेटअप हुए हैं जिनमें बहुत कम ट्रैफिक है, उनको भी इन्फोलिंक सपोर्ट करता है यदि आप उनके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं इन्फोलिंक के लिए। तो आई होप सो कि आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है, यहाँ कोई बड़ा सारा क्राइटेरिया नहीं है, और आई होप सो कि 2-4 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, या हो सकता है कि एक ही दिन में मिल जाए, और ये उनके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो बहुत जल्द आपको अप्रूवल मिल जाता है, और नई और स्मॉल वेबसाइट या ब्लॉग के लिए भी आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाता है, ये इसकी ब्यूटी है। जबकि और कई एडसेंस प्रोग्राम है जिनमें महीनों लग जाते हैं, उनका बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना व्यूइंग होनी चाहिए, इतना विजिटर्स होना चाहिए, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, तो उसको लेना काफी मुश्किल हो जाता है नए ब्लॉगर या वेबसाइट ओनर के लिए, और महीनों लग जाते हैं उस क्राइटेरिया को पूरा करने में, और तब जाके कहीं वो अप्रूव होता है, और भी बहुत सारे मतलब उसमें काफी सारी कंडीशंस हैं। जबकि इन्फोलिंक में कंडीशंस बहुत कम हैं और क्राइटेरिया भी बहुत ही नॉर्मल है, और स्मॉल और न्यू वेबसाइट को सपोर्ट करता है, इसकी ब्यूटी है, और इसको एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाता है। यही बात इन्फोलिंक को किसी भी नए ब्लॉगर या साइट ओनर के लिए, और अगर पुराना है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में मुश्किल होती है, ये दोस्तों आपको पता है, जब आप नए होते हैं तो आपको इजीली अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो इन्फोलिंक से वो भी आपको मिल सकता है। तो इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि ये स्मॉल और न्यू साइट्स, ब्लॉग्स और बिजनेसेस को जो है अलाउ करता है। ठीक है, और इजीली अप्रूवल भी मिल जाता है। तीसरी बात दोस्तों, ये जो है जो कंपनी है काफी एज्ड कंपनी है, 11 साल से वर्किंग में है, ये 2007 में मतलब जो है फाउंड हुई थी, तो 11 साल से मार्केट में काम कर रही है, इसलिए भी इन्फोलिंक जो है विश्वसनीय और भरोसेमंद हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि 11 साल से ये कंपनी काम कर रही है, ना कि ऐसा है कि आज से कर रही है, तो इसलिए हमें इसे मतलब एक एज्ड कंपनी कहेंगे, तो इसके साथ काम किया जा सकता है। ठीक है, इन्फोलिंक्स इज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड, जो प्रेजेंट टाइम में है इन्फोलिंक जो है मतलब तीसरा बड़ा जो है पब्लिशर मार्केट प्लेस है पूरी दुनिया में।
ठीक है, पहले शायद ये टॉप 10 में था, लेकिन अभी ये तीसरी पोजीशन पे आ चुका है। इसकी वेबसाइट पे भी इसका मतलब जो है डिटेल मिलेगी आपको कि ये थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर मार्केट प्लेस है। ठीक है, जो भी मतलब पब्लिशर्स हैं, जो भी ब्लॉगर्स, वेबसाइट ओनर्स हैं, जो एडसेंस के जरिए अर्निंग करते हैं, उनके लिए जो है तीसरा बड़ा सोर्स है, तीसरा बड़ा मार्केट प्लेस है आज की डेट में पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ये तीसरे नंबर पे है, ये कह सकते हैं आपके पूरे वर्ल्ड में एडसेंस में। तो वो काफी बेहतर और पॉपुलर प्रोग्राम है और मतलब इसको थर्ड पोजीशन मिला है पूरे वर्ल्ड में। तो भी आप इसके, ये भी एक वजह बनती है इसके एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स आपके ब्लॉग या वेबसाइट के लिए बनने की। तो इसे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काफी हाई ग्रेडिंग में है। पेइंग पब्लिशर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ अकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस। दोस्तों जो इन्फोलिंक है वो मतलब जो है अपने पब्लिशर्स को जो है मिलियंस ऑफ डॉलर जो है पर मंथ पे करता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। मतलब जो जिसकी ब्लॉग या वेबसाइट पे जिस तरह से ट्रैफिक आता है, क्लिक्स होते हैं, उनका मतलब जो भी परफॉर्मेंस होता है ओवरऑल, उसके हिसाब से मतलब जो है पब्लिशर को पे करता है और हर मंथ जो है मिलियंस ऑफ डॉलर ये कंपनी जो है अपने पब्लिशर्स को पे करती है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि नेचुरली है कि यहाँ फिक्स कुछ नहीं है और जो भी आपके मतलब ब्लॉग पर जिस तरह से ट्रैफिक आएगा, क्लिक्स होंगे, उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। नए ब्लॉगर या वेबसाइट ओनर के लिए थोड़ी कम हो सकती है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी जैसे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को इम्प्रूव करेंगे, उस पर अच्छा ट्रैफिक आएगा। तो जो है इन्फोलिंक जो है मिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने जो है अपने पब्लिशर्स को पे कर रहा है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 साल से ये काम कर रहा है और इसके साथ मैंने भी काम किया, जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले वीडियोस में बताया और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी इसके साथ काम किया है और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें भी मतलब जो है अर्निंग मिली है। बाकी इसके अलावा मैं आप वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे इन्फोलिंक पे करता है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि मतलब कैसे पे करता है इन्फोलिंक आपको, मतलब किस प्रकार से पे करता है। और इसके अलावा इन्फोलिंक क्यों बेहतर है इसके ऊपर मैंने पहले ही बनाया, लेकिन इसमें थोड़े से मैं फैक्ट्स के साथ आपको ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ कि क्यों ये एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ जो है अपने पब्लिशर्स को पे करता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। जनरेटिंग इनकम फॉर ओवर 1 लाख वेबसाइट पब्लिशर्स एंड ब्लॉगर्स ऑफ ऑल साइजेस। मतलब जो करंटली इन्फोलिंक है वो मतलब 1 लाख से भी ऊपर जो है पब्लिशर जो है, एक्टिव पब्लिशर कहूंगा, वैसे तो पब्लिशर बहुत ज्यादा होंगे लेकिन 1 लाख से ऊपर पब्लिशर्स ऐसे हैं जिनके लिए इन्फोलिंक जो है एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स के रूप में जो है उनको इनकम जनरेट करने में मदद कर रहा है करंटली। 1 लाख से ऊपर पब्लिशर्स जो हैं इस इन्फोलिंक के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा पब्लिशर तो चाहे लाखों होंगे, 2 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, लेकिन जो अर्निंग कर रहे हैं, तो करंटली इन्फोलिंक अपनी वेबसाइट में भी इस बात को बताता है कि 1 लाख से ऊपर वेबसाइट ओनर्स, पब्लिशर्स और ब्लॉगर्स जो है इन्फोलिंक की वजह से उनको इनकम जनरेट हो रहा है। और ये ऑल साइजेस के जो है मतलब वेबसाइट या ब्लॉग्स हैं। ऑल साइजेस मींस कि ये छोटे बड़े मतलब हर तरह के ब्लॉग्स जो है, ठीक है, उनके लिए। ऐसा नहीं कि इसमें सारे बड़े होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, या कुछ बहुत बड़े भी होंगे ब्लॉगर्स या वेबसाइट ओनर्स जिनके मतलब काफी ज्यादा ट्रैफिक है और काफी ज्यादा उनका बड़ा एड रेवेन्यू सोर्स जनरेट मतलब एड रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 1 लाख से ऊपर वेबसाइट पब्लिशर्स को इस वक्त ये अर्निंग मतलब हो रही है इन्फोलिंक की वजह से। ठीक है, उसमें ब्लॉगर्स भी हैं, वेबसाइट ओनर्स भी हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं, यानी कि ऑल साइज ऑफ बिजनेस या ब्लॉग्स और साइट्स इसमें एड है। बाकी इसके अलावा पब्लिशर तो ज्यादा है लेकिन जिन्हें इनकम जनरेट हो रही है वो 1 लाख से ऊपर है। ये उनके इन्फोलिंक ने अपनी वेबसाइट में जो है इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों जो नेटवर्क 1 लाख लोगों को या 1 लाख पब्लिशर्स को इनकम जनरेट करने में या एड रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है, जो कि मतलब छोटे बड़े किसी भी साइज के मतलब हैं, तो
ये एक आपके लिए भी ये बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होता है, हो सकता है आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, भले ही वो स्मॉल लेवल की हो या फिर हाई लेवल की हो, यानी कि वो काफी मतलब अच्छा, मतलब जैसे कि डेवलप्ड ब्लॉग हो या फिर छोटे लेवल का ब्लॉग हो या वेबसाइट हो, ठीक है। तो इसमें दो मतलब हर तरह के बिजनेस को ये सपोर्ट करता है, और 1 लाख से ज्यादा लोग अगर इससे अर्निंग ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं। नाउ वर्किंग इन 128 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन्फोलिंक जो है दोस्तों इस वक्त दुनिया के 128 देशों में काम कर रहा है। कुछ देश है शायद जिनमें ये काम नहीं कर रहा है, बट हमारे इंडिया में काम करता है, यूएस में काम करता है, यूके में काम करता है, मतलब जो लगभग जो कंपनी जो कंट्रीज के नाम हम जानते हैं लगभग सब में होगा, लेकिन छोटी मोटी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें शायद ये ना भी काम करता हो, लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपको खुद भी बता देगा कि किसी कंट्री में अगर ये काम नहीं करता, बट इंडिया के लिए करता है, यूएस के लिए करता है, यूके के लिए करता है, तो मोटे तौर पर ये बड़ी सभी कंट्रीज में काम करता है। तो ये मतलब 128 कंट्रीज में, शायद दुनिया में आई होप सो भी 200 के लगभग देश होंगे, तो उसमें से 128 कंट्रीज में, सभी बड़ी कंट्रीज में स्पेशली ये काम कर रहा है। तो इसलिए भी ये आपके लिए एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स हो सकता है, और काफी अच्छा नेटवर्क है जो कि 128 कंट्रीज में काम कर रहा है, तो इसे आप एक मजबूत नेटवर्क मान सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं। Infolinks work with the thousands of advertisers such as Nike, Virgin Airline, Target and Netflix and deliver nearly 1.5 billion monthly ad views. जो दोस्तों पब्लिशर के लिए ये भी जानना जरूरी है कि उसके पास कितने अच्छे और किस लेवल के एडवर्टाइजर्स हैं। तो जैसे कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में बताया, जो कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बताया है कि नाइक, वर्जिन एयरलाइंस, टारगेट एंड नेटफ्लिक्स या इस तरह के और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो है एडवर्टाइजर्स इनके पास हैं, क्योंकि अगर अच्छे एडवर्टाइजर्स नहीं होंगे तो पब्लिशर अगर एड भी दिखाएगा इसको, मतलब आपको अप्रूव भी कर देता है और आप एड्स भी दिखाते हैं, तो आप अच्छी जो एड रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर पाएंगे अच्छा एड रेवेन्यू, यदि उसके पास अच्छे एडवर्टाइजर्स नहीं है। तो इन्फोलिंक ने अपने वेबसाइट में बताया कि वो किन किन टॉप लेवल के एडवर्टाइजर के साथ काम कर रहा है, 3-4 के मैंने नाम भी बताए, इसके अलावा और भी बहुत हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टाइजर्स हैं जो इस तरह के मतलब टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं जो कि इन्फोलिंक के साथ जुड़े हैं, और नेचुरली है कि उनकी उनकी एड वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे पोस्ट करके मतलब एड रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो नेचुरली एडवर्टाइजर्स अच्छे होंगे, उनका एड रेट अच्छा होगा, तो नेचुरली है कि आपको भी इनकम ज्यादा होने की संभावना है, और ये 1.5 बिलियन मंथली एड व्यूज जो है डिलीवर करता है इन अपने क्लाइंट मतलब जो भी एडवर्टाइजर्स हैं उनको अभी करंट के टाइम में, जो इसने अपनी वेबसाइट पे भी करंटली बताया है आज की डेट में। तो इसके पास काफी अच्छे थाउजेंड्स ऑफ टॉप लेवल के एडवर्टाइजर्स हैं, और आई होप कि उनका रेट भी ज्यादा सही होगा, और उससे मतलब ये हो जाता है कि जो पब्लिशर होता है अगर उसे ये भरोसा रहता है कि इन्फोलिंक के पास काफी अच्छे और टॉप लेवल के एडवर्टाइजर्स हैं, तो नेचुरली है कि वो अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि अगर अच्छे एडवर्टाइजर नहीं होंगे तो पब्लिशर को भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, भले वो एड उसमें उसकी साइड में लगे रहें या क्लिक्स भी होते रहें। तो ये भी जरूरी है कि टॉप लेवल के और अच्छे एडवर्टाइजर्स उनके पास होने चाहिए, तो उसके पास हैं, तो इसने बाकी अब इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। तो ये भी फैक्ट जो है इसको एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाता है, क्योंकि अच्छे एडवर्टाइजर होना बहुत जरूरी है, तभी पब्लिशर्स अच्छा अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है, 5-7 या 8 फैक्ट्स थे जो मैंने इकट्ठे किए थे और मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्यों जो है मतलब ये इन्फोलिंक जो है बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स हो सकता है आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, और अगर वो स्टार्टर वेबसाइट या ब्लॉग है तो भी आपके लिए बेस्ट सोर्स हो सकता है, ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है और आप इसे कर सकते हैं। तो ये 8 रीजंस हैं जो इसको बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाते हैं किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए, भले ही वो मतलब एक सक्सेसफुल वेबसाइट या ब्लॉग हो या फिर स्टार्टर लेवल का वेबसाइट या ब्लॉग हो। तो ये फैक्ट्स जो हैं, इसके अलावा भी और भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये जो मेरी नॉलेज में 8 चीजें हैं इसको बेस्ट बनाती हैं, और आई होप कि इनको जानने के बाद आप भी मानेंगे कि ये बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स हो सकता है आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो
ये वजह इसको बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाती हैं किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, चाहे हायर लेवल का हो चाहे स्टार्टर लेवल का हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की जो कि इन्फोलिंक को बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाते हैं आपके किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, भले ही वो नया हो, पुराना हो, हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो या स्टार्टर हो। तो हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की जो कि इन्फोलिंक को बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाता है आपके किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब है नाउ व्हाट टू डू, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आपका अपना डिसीजन है, इन फैक्ट्स के आधार पर अगर आपको लगता है कि इन्फोलिंक को ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लगता है नहीं करना चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। बाकी इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इन्फोलिंक की साइट पर जाकर ले सकते हैं। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन या जो भी मेरा अपना अनुभव था या जो भी बातें मतलब मैं जानता हूं इसके बारे में, जो बेस्ट है, जो इसको बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाती है आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, वो मैंने इस वीडियो में शेयर की है। इसके बाद डिसीजन आपका है कि इसे करना है या नहीं करना है। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट एडसेंस मतलब जो भी है वो सबसे बेस्ट जो है गूगल का है, लेकिन कई बार गूगल जो है इजीली अप्रूव नहीं हो पाता, या आपको गूगल के साथ कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप उसके साथ काम नहीं करना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ और आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो इन्फोलिंक आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है गूगल एडसेंस प्रोग्राम का, और काफी अच्छा जो है एड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोग्राम हो सकता है आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसको एज अ गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं या मतलब इसके साथ काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि आप डायरेक्टली इसके साथ काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इन्फोलिंक आपके लिए हर तरह से बेहतर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल एडसेंस सबसे बेस्ट एडसेंस प्रोग्राम है वर्ल्ड का, लेकिन उसका क्राइटेरिया और अप्रूवल सिस्टम जो है वो काफी टफ है, जो कि मतलब एक नया वेबसाइट ओनर या ब्लॉगर उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में काफी प्रॉब्लम आती है। बट मैं ये कहूंगा कि किसी भी डेवलप्ड ब्लॉग या वेबसाइट के लिए या फिर किसी स्टार्टर ब्लॉग या वेबसाइट के लिए इन्फोलिंक जो है एक बेहतर प्रोग्राम है हर तरह की वेबसाइट के लिए, और अगर गूगल एडसेंस के लिए अल्टरनेटिव के तौर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है इन्फोलिंक। ठीक है, अभी तक मेरे अनुभव के हिसाब से तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसीजन आपका है, आप इसे करें या ना करें, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली मतलब अपनी साइट के लिए यूज कर सकते हैं, भले वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की, या फिर एज पर मतलब जो है गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपको एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है या गूगल एडसेंस के साथ काम करने में आपको दिक्कत आ रही है या आप उसके साथ कंफर्टेबल या नहीं करना चाहते उसके साथ काम, तो ये आपके ऊपर है, तो आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल जो है इन्फोलिंक जो है काफी अच्छा बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोग्राम है किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, भले ही वो लो लेवल की हो, हाई लेवल की हो, या फिर मतलब काफी काम में सक्सेसफुल हो या फिर स्टार्टर हो। तो ये हर तरह से जो है इन्फोलिंक किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी ब्लॉगर है या वेबसाइट ओनर है, छोटा बड़ा जो भी है, उसके लिए इन्फोलिंक हर तरह से बेहतर है मेरी नजर में और मेरे अनुभव के हिसाब से, और गूगल एडसेंस का भी बेस्ट अल्टरनेटिव है, और आप इसको डायरेक्टली भी मतलब यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्टरनेटिव के तौर पे यूज करें, लेकिन एक बेस्ट अल्टरनेटिव भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप थर्ड पोजीशन पे जो है दुनिया में इस वक्त एडसेंस प्रोग्राम्स में इसकी पोजीशन है, तो मतलब इन्फोलिंक मतलब हर तरह से आपके लिए बेस्ट और अच्छा है। यदि आपको लगता है तो आप इसे कर सकते हैं, यदि आपको नहीं लगता है तो ये आपके ऊपर है। बाकी हमने इस वीडियो में जो है फैक्ट शेयर किए आपके साथ जो कि मेरा अनुभव और मेरे हिसाब से जो मतलब 8 वजह मैंने आपको दी जो कि इसको बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनाता है आपके किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। तो इसके बाद आप इतना समझ गए कि एक बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है और गूगल एडसेंस का काफी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, और किसी भी वेबसाइट छोटे या बड़े या अपर लेवल या लो लेवल जो भी वेबसाइट या ब्लॉग है उन सब के लिए बेनिफिशियल है। तो मेरा काम था आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपको बताना कि क्यों ये बेस्ट एड रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। डिसीजन आपका है और आपका अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं और ना चाहें तो ना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, पर मेरी नजर में ओवरऑल काफी अच्छा मतलब जो है एडसेंस
प्रोग्राम है, ये एड रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और आई होप कि यदि आप इन्फोलिंक के साथ काम करते हैं, मतलब इसके बारे में जानकर, तो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको इसके बारे में बताना था, बाकी डिसीजन आपका है। और मुझे उम्मीद है कि इन्फोलिंक के साथ काम करके आप काफी अच्छा एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ आपका अनुभव अच्छा रहेगा, जैसे कि मेरा भी रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा और इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। और कॉमेंट जरूर करें दोस्तों ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम आपके कॉमेंट्स का वेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। Subscribe Wise WordPress Guru.